हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्लास टेंथ की एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इससे पिछली वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आज हम चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा ये फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 1 + sec a / sec a इक्वल टू sin² a / 1 - cos a को सिद्ध करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो चलिए सीखते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक, तो हमें जो है ये हमारा हो गया LHS और ये हमारा है RHS, यानी हमें LHS को लेके चलना है और RHS प्रूफ करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम LHS को लेके चल रहे हैं, तो LHS लेने पर तो LHS हमारा क्या है, 1 + sec a, ये a का वैल्यू मतलब क्या है, ये थीटा की जगह पे a है, तो sec a / sec a। तो इसको जो है हम किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब पार्ट बाई पार्ट कर सकते हैं, 1 बटे sec a इसको इस पार्ट में तोड़ सकते हैं, और sec a / sec a को लिख सकते हैं प्लस है बीच में, तो प्लस sec a / sec a इसको हम इस ऐसा तोड़ सकते हैं, बिल्कुल तोड़ सकते हैं। इसको सॉल्व कीजिए, आपको एक फॉर्मूला माइंड में आ रहा होगा, 1 बटे sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 बटे sec थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, अगर फॉर्मूला आपको याद होगा तब। तो 1 बटे sec थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है ए है, तो ए प्लस sec a / sec a, तो बराबर है दोनों ऊपर नीचे, तो कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, तो एक बार में कटेगा, तो इसके जगह पे हो जाएगा हमारा ये 1। चलिए हमारा आया यहाँ पे cos a + 1, इसको जो है हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 1 + cos a लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या देखना है कि सिद्ध करने वाले में हमें क्या नीचे क्या लाना है, हर में 1 - cos a लाना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 - cos a से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। जब आप 1 - cos a से नीचे भाग किए हैं तो आपको क्या करना होगा, ऊपर में भी भाग करना होगा, तो यहाँ भी 1 - cos a से डिवाइड करना है। उसके बाद ऊपर जब आप देखेंगे तो हमारा ये किस फॉर्म में बन गया, 1 + cos a * 1 - cos a। आपको एक फॉर्मूला आपके माइंड में आ रहा होगा, a + b * a - b, इसको a और b मानते हैं, तो a + b * a - b के फॉर्म में आ रहा है, तो इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है, a² - b² इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, तो इसको जो है हम इस फॉर्म में तोड़ देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर एक ही होगा -b², b हमारा cos है, तो cos² a बटे में क्या आ जाएगा, 1 - cos a हो जाएगा। ठीक, आपको जो यहाँ पे मिल रहा होगा 1 - cos² थीटा, तो एक फॉर्मूला होता है sin² थीटा + cos² थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है। ठीक, तो यहाँ से sin² थीटा इधर हो जाएगा, cos को उधर भेज देंगे, तो 1 - cos² थीटा हो रहा है, यानी sin² थीटा का फॉर्मूला होता है 1 - cos² थीटा, तो 1 - cos² थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, तो sin² थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा sin² थीटा / 1 - cos a। ठीक, और हमें प्रूफ क्या करना था, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें प्रूफ करना था sin² a / 1 - cos a प्रूफ करना था, और फाइनली जो है हमारा sin² a / 1 - cos a प्रूफ हो चुका है, RHS हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो इसी तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो को अच्छा लगा और पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।